हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। गाइस, आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ भारतीय रेल की तरफ से और एक नई रिक्रूटमेंट यहाँ पे जो है निकल कर आ चुकी है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से 1791 स्लॉट्स के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप भर्ती को जो है निकाली गई है। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन जो है आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ कि कब से कब तक फॉर्म फिलअप है, कब लास्ट डेट है, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं, सभी कुछ डिटेल्स में जानेंगे। तो जाने के वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये रहे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। देख सकते हैं यहाँ पे 6/11/2019 को ही जो है ये नोटिफिकेशंस को यहाँ पर पब्लिश किया गया है। और यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो फॉर्म फिलअप है दोस्तों, वो 10 नवंबर से जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने जा रही हैं। लास्ट डेट यहाँ पर आप लोगों की 12 दिसंबर तक जो है आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लगभग यहाँ पर आप देखिएगा 1791 स्लॉट्स के लिए यहाँ पे जो हैं अप्रेंटिसशिप भर्ती को निकाली गई हैं। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शंस की मैं बात कर लूँ तो ITI और 10th मिलाकर आपकी एवरेज बनाई जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों की सिलेक्शंस होने वाला है। 10th में आपकी मिनिमम 50% यहाँ पर होना ज़रूरी है तो ही जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कौन कौन से यूनिट्स के लिए यहाँ पर निकले हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। 8 यूनिट्स की तरफ से यहाँ पर निकाली गई हैं। DRM मैनेजर मैंने डिविजनल मैनेजर ऑफिस अजमेर, बीकानेर, जयपुर एंड जोधपुर, BTC कैरेज अजमेर, BTC लोको अजमेर, कैरेज वर्कशॉप बीकानेर एंड कैरेज वर्कशॉप जोधपुर। तो ये कुछ यूनिट के तरफ से जो है यहाँ पर वैकेंसी को निकाली गई हैं। ठीक है, और जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे यूनिट्स वाइज में आप देख लीजिएगा कि ITI की लगभग सभी ट्रेड्स यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रीशियंस, फेटर, कारपेंटर, और यहाँ पे देखिएगा कि SC, ST, OBC एंड EWS के लिए किस तरीके से सीट सेग्रीगेशन यहाँ पर किए गए हैं। ये सभी यूनिट्स के लिए यहाँ पर आप लोग अपने ट्रेड्स के अकॉर्डिंग वो आप देख कर आप लोग जो है फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। कट ऑफ की वीडियो इसके ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगा फॉर्म फिलअप करने से पहले। ठीक है, चैनल पे जो भी नए हैं तो चैनल को साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को मिलता रहे। और यहाँ पे एज 15 साल से लेकर 24 साल के बीच वाले यानी अप्लाई कर सकते हैं। SC, ST, OBC हैं तो आप लोगों को रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को जो है मिल जाने वाली है। ठीक है, और फॉर्म किस तरीक़े से आवेदन करेंगे आप लोगों को मैं 10 तारीख से पहले जो है 10 तारीख से जिस तरीक़े से होगा मैं वीडियो में बनाकर जो है आप लोग को मैं दिखा दूँगा। ठीक है, तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जो आप लोगों के मैंने साथ आप लोग के साथ मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन्स या डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।